बार बार डाटा हाँ करने मुझे अच्छी नहीं लग रही, लेकिन चलो मेरी पहली वीडियो है तो तजर्बा नहीं है मेरा, तो हमने इसको इस तरीके से कटिंग कर दी है। और इसकी ये लेंथ हमने कितनी रखी है मैं ये आपको बाद में बताता हूँ। इसकी है जी हमने लंबाई ये देखिए 1.5 मीटर इसकी लंबाई, 1.5 मीटर ये देखिए 1.5 मीटर इसकी लंबाई है। और इसी तरीके से हमने इसको निशान लगा के ये देखिए यहाँ पे और यहाँ पे हमने निशान लगा के इसको कर दिया काट दिया सॉरी। उसके बाद में काटने के बाद में फिर हमने इस तरीके से जो इसकी वायर है ये देखिए आप, हमने इसको टेप लगा देनी है ताकि ये हमें तंग नहीं करे काम करते वक्त, क्योंकि अभी काफ़ी सारी चीज़ों का इसके ऊपर हमने चढ़ानी है, फिर जाके ये पूरा टर्मिनेशन बनाएगा, इसको बोलते हैं टर्मिनेशन। गाइस इंशाल्लाह इसमें आपको जो बंदे कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं कुछ करना चाहते हैं जिनमें विल पावर है जो अपने नसीब से लड़ के कुछ बनना चाहते हैं, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने नसीब से लड़ के बहुत मेहनत की है, बहुत विल पावर थी मेरे में और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं किसी मुकाम पर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मोटिवेशन स्टोरी है, इस पर आपको मिलेगी इंशाल्लाह कि जो बंदे कुछ बनना चाहते हैं कुछ करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी अपनी लाइफ में अपनों के लिए और अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ बनाना चाहते हैं ये उनके लिए इंशाल्लाह। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा और इंशाल्लाह शेयर भी कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो। ओके जी नेक्स्ट हम चलते हैं इसकी क्लीनिंग एरिया की तरफ। क्लीनिंग एरिया हमारा होता है जी ये एलएसटी मोल्ड का 500 mm का अल्यूमिनियम की केबल का 30 cm, ये आप देख सकते हैं 30 cm और ये 30 cm। गाइस देखिए आप मैंने कुछ प्रिपेयरिंग करके रखा है और आपको बताने के लिए भी बहुत कुछ इंशाल्लाह रखा है। हमने कटिंग के बाद 1.5 मीटर हमने इसकी लेंथ ली और उसके बाद में हमारा इसको बोलते हैं सेमी कनेक्टर ब्लैक वाले को और ये वाइट है पीवीसी प्लास्टिक और ये हमारा कनेक्टर है एल्युमिनियम कनेक्टर। तो जो हमारी क्लीनिंग है इसकी वो आएगी 30 cm, ये देखिए 30 cm जो कि सऊदी अरब में सेंटी पे काम चलता है, ये हमारी 30 cm की क्लीनिंग आएगी। ये मैं आपको चेक करवा दूँ, थोड़ी सी ये ज़्यादा है लेकिन वो लेग्स जो है किसी कटिंग की वजह से हो जाता है। ये हमारी 0.5 सेंटी ये दोनों ज़्यादा है वो कटिंग की प्रॉब्लम की वजह से हो जाता है। तो 30 cm हमारी यानी 30 से 31 तक आपकी क्लीनिंग आनी चाहिए, 29, 30, 31 वो इंशाल्लाह मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। जब आदमी को काम में काफ़ी तजर्बा हो जाता है काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं तो वो फिर 1 सेंटी ऊपर 1 सेंटी नीचे वो अपने हाथ में कवर कर लेते हैं काम को। तो अभी हम इसको रिमूव कैसे किया वो तरीका आपको बताते हैं, इसके 2-3 तरीके हैं। ये फर्स्ट स्टेप है 30 cm पे लाइन लगा के ये राउंड में और आपका ये राउंड सीधा होना चाहिए इस तरीके से, ये आपने राउंड ले लिया। उसके बाद में लंबी लाइन इस तरीके से, अगर आपके सेमी कनेक्टर ब्लैक वाले की जो थिकनेस है वो अगर ज़्यादा है ये देखिए तकरीबन मिली में है ये, तो हम इसको हाफ, अगर आप फॉर एग्जांपल के 2 मिली है तो हम इसको 1 मिली पे यानी 1 मिली पे कटिंग लगाएंगे, अगर ये 2 मिली है तो हम इसको 1 मिली काटेंगे। एक लाइन लग चुकी है, अभी दूसरी लाइन मैं इसको लगाऊंगा जिस तरह हम अपनी ज़ुबान में खरबूजे को काटने के लिए अलग अलग लाइनें लगाते हैं, सेम उसी तरीके से ये लाइन लगा रहा हूँ
और मेरा हाथ जो पावर है वो मुझे बताता है कि मेरा चाकू कितना अंदर जा रहा है। ये चार लाइनें होगी जी। फिर उसके बाद में हम यहाँ से पकड़ के इसको, ये तरीका ये इतनी आसानी से उड़ता नहीं जिस तरह आपको ये वीडियो में नजर आ रहा होगा। ये देखिए गाइस, ये खुल गया। आई वा क्लोज, काफी मुश्किल है। आई वा क्लोज, क्लोज नो प्रॉब्लम। इस तरीके से दूसरा पकड़िए, थोड़ा सा लूज कीजिए, लास्ट में इसको छोड़ दीजिए। ये गर्म होने की वजह से थोड़ा जो इसका सेमी कनेक्टर है ये थोड़ा नरम हो जाता है और जो टेक्नीशियन है जॉइंटर के लिए आसानी हो जाती है कि उसका जोर बहुत कम लगता है। हाँ गाइज, और आप मुझे ये भी बताइए क्या कि आपको मेरी वीडियोस कैसी अच्छी लगी, और वीडियोस इंशाल्लाह मैं अपलोड करूँ या नहीं करूँ, या आपको कुछ मालूमात मिल रही है। अगर आपको और वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला 18 साल का एक्सपीरियंस आपके सामने किताब की तरह खोल के रख दूँगा इंशाल्लाह ताला। ये फिर इस तरीके से बन जाएगी। अभी हम इसका लेग्स उतारेंगे। ये देखिए सेम, ये दोनों इसी तरह थी और इसका मैंने लेग्स उतारा लेग्स कटर से जो कि 9 सेंटी है। मुझे लाइक करके सब्सक्राइब करके बताना है जी कि आपको और वीडियोस चाहिए इससे रिलेटेड, केबल जॉइंटिंग फील्ड से रिलेटेड, तो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा कि मैं अपने फैंस को, अपने भाइयों को, अपने सिस्टर्स को, ब्रदर्स को जो ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, सेट करना चाहते हैं और अपनों के लिए बहुत सारी खुशियाँ एक अच्छी जॉब की सूरत में जो उनको इज्जत मिलती है उनका जरिया बस रोजगार बनना चाहते हैं। ठीक है गाइस, इस तरीके से आप देखिए अभी ये सेम हो गया। अभी इन तीनों में आपको फर्क ये नजर आएगा, ये है इनका जो लास्ट हेड ऑफ द टॉप है ये राउंड में है और ये नहीं है। वो राउंड का तरीका क्या है, ये चाकू को हल्का हल्का आपने अंगूठे की मदद से आपने घुमाते रहना है और चाकू जो आपका खुद ब खुद उसको आगे से काट रहेगा। और इस तरीके से ये हमारी केबल जो है वो अभी रिपेयरिंग के लिए जायज हो गई है। अभी हम इस पर अपना टर्मिनेशन जो है ना वो करेंगे, लगाएंगे। तो भी काफ़ी सारे अलग अलग सिस्टम जिनमें स्ट्रेस कंट्रोल है उसके मटेरियल में, इंसुलेशन ट्यूब है और ब्लैक जैकेट है, हीट श्रिंक ब्रेकआउट है, यानी अम्ब्रेला है, लग्स है, इस तरह की चीज़ें हैं जो इंशाल्लाह आपको आगे देखने में और इसको पूरा कंप्लीट करने में जो मुझे आगे मदद करेंगी। और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और मुझे बताइएगा कि आप नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह आपके भरपूर मोहब्बत और तावुन की ज़रूरत है और आपकी सब्सक्रिप्शन देख के और उसके बाद में जी लाइक देख के मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपकी मोहब्बत आपको जल्दी से रिटर्न करूँ नई वीडियो की सूरत में।